दोस्तों क्या आपको पता है कि एक मृत व्यक्ति के पुतले को भी एक मीटिंग में बुलाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? तो वीडियो पर बने रहे। दोस्तों इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दोस्तों ये तस्वीर है 2013 की एक मीटिंग की, जो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में काउंसलिंग मीटिंग की है। दोस्तों इन लोगों में एक सज्जन पुरुष नीली व्हाइट कॉलर पहने हुए हैं, जिनका नाम है जेरमी बेंथम। लेकिन खास बात यह है कि सज्जन पुरुष जेरमी को मरे हुए 150 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इनका ये पुतला इस मीटिंग का आज तक हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या है? सज्जन पुरुष 18वीं सदी के महान फिलोसोफर और समाज सेवी थे, और कॉलेज ने उस महान पुरुष की याद में जेरमी का पुतला बनाया, जो एक कुर्सी पर बैठे हुए, जिनका अधिकतर भाग सूखे घास से बनाया हुआ और सेरा मोम से बनाया है। इस पुतले में जेरमी का असली कंकाल मौजूद है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है? दोस्तों कौन सा जीव पानी नहीं पीता? तो दोस्तों वो है अमेरिका का कंगारू रेड, जो अपने शरीर की पानी की सभी जरूरतों को शरीर में वसा के ऑक्सीडेशन से पूरा करता है। दोस्तों चिपकली होती है ना चिपकली, उसका हार्ट 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कमेंट्स में बताना कि इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों चतुर्मुर्गी एक ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। दोस्तों ये है मगरमच्छ, जिसके मुंह में 82 दांत होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला है? तो दोस्तों उनका नाम है इफ्तिकार पटौदी। दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं हो तो स्काई का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों ये ब्लैक कलर का होगा। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा फ्लैग देखा है जिसमें दूसरी कंट्री के फ्लैग भी मौजूद हो? दोस्तों सभी कंट्री के फ्लैग के कलर और उस पर बने लोगों का स्पेशल मीनिंग होती है, जो उस देश से जुड़ी होती है जिस देश का वो फ्लैग होता है। जैसा अपने इंडिया के फ्लैग के कलर और लोगों का मीनिंग होता है, वैसे ही दूसरी कंट्री के फ्लैग के लोगों का मतलब होता है। दोस्तों नॉर्वे का फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जिसमें 6 अलग अलग देशों के फ्लैग मौजूद है, जैसे इंडोनेशिया का, पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड और फ्रांस। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा इकट्ठा होकर सबसे बड़ा झंडा कौन सा बनाया था? तो दोस्तों वो अपना झंडा तिरंगा है। भारत ने सबसे बड़े इंसानी झंडे के बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, और ये कार्यक्रम 7 दिसंबर 2014 को चेन्नई के YMCA मैदान में हुआ था, जिसे 43,830 लोगों ने मिलकर बनाया था। पर क्या आपको पता है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर स्पोर्ट्स क्लब के नाम था, जिन्होंने जनवरी 2014 में बनाया था, और वहाँ 28,957 लोगों ने मिलकर इंसानी झंडा बनाया था। आपने जब भी कभी किसी विमान के क्रैश होने की खबरें सुनी होगी तो उसके ब्लैक बॉक्स का भी जिक्र जरूर होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, ये जनरली ऑरेंज कलर का होता है, ताकि विमान के क्रैश वाली जगह पर इसे आसानी से ढूंढ सके। दोस्तों ब्लैक बॉक्स विमान का एक ऐसा पार्ट होता है जो विमान के पूरी तरह नष्ट होने पर भी सेफ रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाहर से टाइटेनियम के आवरण से कवर होता है, जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आग में भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स के अंदर उपकरण होते हैं जो विमान के उड़ान के सभी एक्टिविटी को उसके अंदर रिकॉर्ड करती है, जैसे विमान किस हाइट पर उड़ रहा है, हवा का प्रेशर कितना है आदि। और इस ब्लैक बॉक्स की हेल्प से विमान के क्रैश होने की वजह का पता लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? तो दोस्तों वो है बिच्छू का जहर। बिच्छू का जहर सबसे महंगा लिक्विड है, और 1 गैलन बिच्छू के जहर की कीमत लगभग $39 मिलियन है। दोस्तों मच्छर जो आकार में बहुत छोटा है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े है, ये सबसे जानलेवा जीवों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। मच्छर की वजह से हर साल लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। दोस्तों ये है शहद। पर क्या आपको पता है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 20 लाख फूलों तक घूमना पड़ता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे ताकतवर फल कौन सा है? तो दोस्तों वो है कीवी। दोस्तों घोड़ा और घोड़ी के दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर घोड़े के 40 दांत होते हैं, और वहीं फीमेल घोड़ी के 36 दांत होते हैं। दोस्तों ये है लैक्टोमीटर, इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी ने दूध में कितना पानी मिलाया है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियतनाम के हनोई शहर में पहला 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होटल तैयार किया गया है? उस होटल का नाम गोल्डन लेक। उस होटल के दोनों तरफ 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है। दोस्तों डॉल्फिन्स, जो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार अमेजन की नदी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की पिंक डॉल्फिन्स, जिसकी दिमागी क्षमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है ये जो माउंटेन ड्यू है, जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स है,
लेकिन जब इसे बनाया था 1940 में, उस दौरान इसे कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स किए जाने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सियालकोट, जहां दुनिया का 40% से भी ज्यादा फुटबॉल बनाया जाता है, और उसकी खास बात यह है कि ये सभी हाथों से तैयार की जाती है। दोस्तों, अगर धरती के सबसे जरूरी जीव कौन से अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों मधुमक्खी टॉप पर आती है, मतलब धरती के लिए सबसे जरूरी जीव मधुमक्खी है, लेकिन इसमें इंसान टॉप 10 में भी नहीं आता।